2022 शुक्रवार दिन ओलटपुर ठारे दिव्यांग जनक निमन्ते एसपी निर्तार रे प्रमुख सेवा गृह उद्घाटित हो जायछि। माननीयवर केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधानक अध्यक्षता रे एवं माननीयवर केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री श्रीयुक्त डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारंकर गरिमामय उपस्थिति रे माननीयवर सांसद श्रीयुक्त जेपी नड्डा नवनिर्मित 100 सज्जा विशिष्ट पुनर्वास उपभवन सहित स्वामीजी विवेकानंदर दिव्य मूर्ति उन्मोचन करने सह चिकित्सा उद्यान शुभ उद्घाटन कर। उक्त उपभवन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीएसआर उपक्रम अटे। प्रारंभरे विभागीय सचिव श्रीयुक्त राजेश अग्रवाल सांसद मंत्री महोदय मानंकु आरईसीएल और सीपीडब्ल्यूडी अतिथि और समस्त दिव्यांग जन सहित उपस्थित जनसाधारण को स्वागत करने सह नूतन उपभवन में प्राप्त होगा सुविधा विषय अवगत कराइले। एसबी निर्तार 1975 मसीह समग्र भारतीय चलनवादित पुनर्वास क्षेत्र में एक प्रसिद्ध रेफराल चिकित्सालय अटे एवं प्रत्येक दिन शत शत रोगी सेमानंकर चिकित्सा निमन्ते आसी थांति। एणु आगामी दिन में स्थान अभाव अप्राप्त होउथिबा डॉक्टर एक्सरे व्यवस्था एवं रक्त संपर्कीय अति उन्नत पाथोलॉजी परीक्षण व्यवस्था प्राप्ति हेबो। आदरणीय राजेश अग्रवाल महाशय, एडिशनल सेक्रेटरी माननीय शर्मा जहां अनुदान रे ये नुआ हॉस्पिटल बिल्डिंग आज निर्माण हमारे संभव है। भारत सरकार एनर्जी डिपार्टमेंट पावर मिनिस्ट्री पीएसयू रूराल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी ईडी माननीय बोस तथा ये संस्थार मुख्य स्थानीय मुख्य आदरणीय डॉक्टर महांति ये कार्यक्रम उपस्थित थिबा ये शिक्षानुष्ठान ये चिकित्सा चिकित्सालय समस्त फैकल्टी समस्त चिकित्सक छात्र छात्री भाई भौणी माने अंचल सम्मानित नागरिक बंधु माने सांबादिक बंधु माने अन्यान्य साथीगण ये शिक्षानुष्ठान जो यूनिवर्सिटी मान्यता एठिकार पिला माने एबे उत्कल यूनिवर्सिटी माध्यम रे सर्टिफिकेट पाउछन्ते। जदि कल्याण विभाग चाहिबो शिक्षा विभाग निश्चित रूपे याकु एक डीम टू यूनिवर्सिटी रा मान्यता प्रदान पाई करायो। फायदा कानून तार योजना कल्याण विभाग को करवा पाई पड़िबो। कल्याण विभाग जी अपेक्षा रखिबे रखिबो ताले मु आज माननीय नाडा जी को आग्रे दायित्व लेके जाउछि याकु आमे गोटे यूनिवर्सिटी रे भी परिणत करि पारिबा। इस संस्थान से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश भर में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान और 21 सीआरसी के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो दिव्यांगजनों के समावेशी विकास सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास शुरू किए गए वह सर्वे दिखाई देते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में भी 3% से बढ़ाकर उसको 5% स्थान सुरक्षित किए गए और स्किल ट्रेनिंग के काम को विशेष रूप से आगे बढ़ाया गया। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद जो दिव्यांगजन अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए दिव्यांगता वित्त विकास निगम से लोन उपलब्ध करा के और ई कॉमर्स से उसको जोड़ करके दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभाग काफी सशक्ति के साथ में आगे बढ़ रहा है। आज इस केंद्र पर जिस भवन का आदरणीय नड्डा जी की गरिमा में उपस्थिति में उनके करकमलों से लोकार्पण किया गया। अभी तक ये हमारा केंद्र 100 बिस्तर वाला था लेकिन नए भवन का जिसका आपके द्वारा लोकार्पण किया गया उसके ग्राउंड फ्लोर पर वहां पर ओपीडी के साथ में लैब
एक्सरे की सुविधाएं और माइनर ओटी भी वहां पर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर वहां पर बेड होंगे और टॉप फ्लोर पर वहां पर योगा की और मनोरंजन की गतिविधियां दिव्यांग जनों के वहां संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैंपस में दिव्यांग जनों के लिए उनके इसके ट्रेनिंग के लिए इसके डेवलपमेंट के लिए एक केंद्र का यहां पर भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो 3-4 माह में ही लगभग हम लोगों की कोशिश है कि वो 3-4 माह में पूरा हो जाए और उस केंद्र के माध्यम से दिव्यांग जनों को इसके ट्रेनिंग की गतिविधियों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाए। ये केंद्र अभी मैं आदरणीय जब हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे थे, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने यहाँ पर जो दिव्यांग जनों के लिए उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने घोषणा की है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर खेलकूद केंद्र का विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाता है तो ये आने वाले समय में उड़ीसा के इस केंद्र से पूरे देश में और अपनी एक पहचान बनाते हुए अभी भी हमारे इस केंद्र से हमारे जो डिप्लोमा कोर्स पढ़कर निकलने वाले जो हमारे डिग्री कोर्स करने वाले मास्टर डिग्री कोर्स करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं वो केवल देश में ही नहीं कई देशों में जाकर और यहां से निकलने वाले विद्यार्थी अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। यहां पर केवल उड़ीसा ही नहीं इस केंद्र में देश के कई राज्यों से आकर और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं लेने के लिए यहाँ पर पुनर्वास के लिए इलाज कराने के लिए लोग बड़े आशा और विश्वास के साथ में आते हैं। वह मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज स्वामी विवेकानंद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे खुशी भी है और संतोष भी है कि 100-bedded एनएक्सी बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर का उसका श्री गणेश करने का भी मुझे मौका मिला और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने के मौका के लिए जो आपने मुझे ये आमंत्रित किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद, आयोजकों का विशेष करके धन्यवाद। यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के भी अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए भी मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष करके एंडोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के तहत जो कि सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल भी पड़ता है उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका उपयोग हम सब लोग करने वाले हैं, इसके लिए मैं आप सबको विशेष करके बधाई देता हूँ। एता व्यतीत 10 विशेष कैबिन उपलब्ध हेबा सह वृद्धा वृद्धा व्यक्ति विशेषज्ञर विभिन्न पुनर्वास उपचार सहित संवेदी ऐकीकरण संज्ञानात्मक अवधारणात्मक पुनर्वास रिक्रेशनल इंडोर गेम और योग विभाग आदि नूतन सुविधा मान उपलब्ध हेब। यही अवसर में सांसद और माननीय मंत्री महोदय कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण करने सह अनुष्ठान प्रकाशित होता पुनर्वास अनुसंधान पत्रिका जर्नल अफ रिहैबिलिटेशन उन्मोचन करते अधिकंतु विभाग जुग्म सचिव श्रीजुक्त राजीव शर्मा उपस्थित रही। परिशेष RECL नुआ दिल्ली कार्यपाल श्रीजुक्त TSC घोष अनुष्ठान तरफ समस्त उपस्थित विभूति मानू अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद अर्पण कर। जो बंधु मैंने आज
ଏଠାରେ ସହାୟତା ଉପକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କିଟ୍ସ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଏକ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତନେତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଗାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବଳ ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ପକାଉଛି ଅନେକ ଅନେକ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛି इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।